हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। भगवानपुर के गांव टाकाभरी में सालों पहले ग्रामवासियों के लिए पेयजल विभाग ने पानी की टंकी बनवाई थी, जो आज संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है और एक बड़े हादसे को न्योता दे रही है। बता दें कि जिस जगह पानी की टंकी लगी हुई है वह राजकीय प्राथमिक विद्यालय और आसपास कई घर मौजूद हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि टंकी को या तो मरम्मत कराकर इसे चालू कराया जाए या इसे गिरा दिया जाए, क्योंकि जर्जर हालात में खड़ी टंकी कभी भी गिर सकती है, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस पर ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से टंकी के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी टंकी की सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है। अगर ये टंकी गिर जाती है तो बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता है। काफी दिनों की होया, काफी साल लोग हम भी बुढ़े हो गए, यहाँ से कोई भी तलग इस देख नहीं आए यहाँ, और खतरा हम भी फिर घूम तलग हमारे बच्चे पढ़ते हो यहाँ, और बराबर में स्कूल है, बराबर में स्कूल है आस पास ही बिल्कुल, अगर किसी जगह पर कभी हमारे बच्चे को खतरा हो। इसकी मरम्मत इस्तेमाल में नहीं है, कोई नहीं आए तलग, हम भी देखा ही नहीं हमने कभी इस्तेमाल में है, चल ही नहीं ऐसा है, कोई 30-35 साल ही होगी जी, 30-35 साल हो गया, हमने चलती नहीं देखी है, छोड़ दी बनाया का, पानी देखा ही नहीं जी हमने यहाँ, वैसे ही होगी। ये मेरी नियुक्तियाँ 2015 से हैं और तब से मैं इसे इसी अवस्था में देख रहा हूँ, और ये जर्जर अवस्था में पानी इसका कभी यूज नहीं हुआ, ना ये पानी में यूज लाई गई है। हमारे विद्यालय में भी जो पानी है वो हमारा अपना समरसेबल है, उसी से हम बच्चों के पीने का पानी और नल का काम कर लेते हैं, बाकी ये जर्जर अवस्था में है, और इसका अगर ये समाधान इसे गिरा करके या किस तरह से हो सकता है तो बेहतर है, बाकी अभी प्रयोग लायक नहीं रहे। कोई हादसा कर सकता है सर? बिल्कुल, इससे कोई भी जानवर की हानि हो सकती है, इसे गिराया जाना बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे जैसे इसकी ऊंचाई है उस हिसाब से ये कहीं भी भरभरा कर गिर सकती है, और ऐसी स्थिति में इसका गिराया जाना ही बेहतर। टंकी की स्थिति बहुत गंदे, स्कूल नज़दीक है, इसके बहुत खतरा है बच्चों के लिए, हर गाँव को भी नुकसान है इसका, कोई फायदा तो ना पानी जा रहा है इसमें। कितने सालों से टंकी की हालत है? ये काफ़ी दिन हो गए जी, चलती नहीं, कम 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 20 साल हो गए सर, बिल्कुल खत्म है। कोई शिकायत की गई है इसकी? कोई शिकायत नहीं है, लेकिन किस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो अगर गिर जाए या कुछ हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान? नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होगा जी, बच्चे सबसे बड़ा नुकसान तो स्कूल के बच्चों को। बहुत बुरी चीज़ है, इसके साफ होनी चाहिए, यहाँ से हटनी चाहिए। कितना बड़ा नुकसान है इससे? इससे बहुत बड़ा नुकसान है, स्कूल के बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, इधर आसपास के घर भी हैं, डंगर भैंस भी बंद रहे हैं, इधर भी गिर सकती है। कोई मरम्मत के लिए इसकी नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता इसके। कितने साल हो गए? 20-25 साल के करीब हो गए सर। बॉर्डर के समय है सर, कभी भी गिर सकती है, ऊपर रात के समय हलन उलन आ जाता है, इसके समय कभी गिर सकती है जी सर, बिल्कुल कभी भी गिर सकती है, किधर से 4 रुपए खत्म है। परेशानी यही है बस हमारे पास, क्योंकि बच्चों का खतरा है और सभी को इधर आसपास में भी खतरा हो सकता है टंकी गिरने के बावजूद। क्या स्थिति है टंकी की? टंकी तो जी बेकार ही है, या कभी भी हो सकता है। तो कोई देखभाल के लिए नहीं आता इसकी? नहीं जी, इसकी ना कोई नहीं आज तलक, हम अभी काफ़ी दिन हो गए रहे, तो उस अद्दी को भी हमारी हमें कोई पता नहीं, कोई नहीं आ सकता है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है कभी? हो सकता है जी। क्या मांग करते हो? मांग ये करते हैं बस, ये हटाए जा सकती है यहाँ से, और जो हम ये तक रहे हैं जहाँ पानी का नल लगेगा ये टंकी बने, कहीं अपर बाहर ही बन सकती है गाँव से। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।